स्वागत है जी आप सभी का। एक बेहद खास प्रोग्राम लेके आए हैं। हर संडे वीकली रिव्यू जसमीत जी से करते हैं कनाडा के ट्रेंड का और जो रीसेंट इंटेक्स हैं उनके रिजल्ट्स का स्टेटस क्या है। जसमीत जी ने पीछे हमें बताया था कि जून और जुलाई की फाइल्स प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्या अगस्त की फाइल्स सितंबर की फाइल्स प्रोसेसिंग में हैं, ये जसमीत जी से पूछेंगे। और क्योंकि लास्ट वीक हम लोग वीकली रिव्यू नहीं कर पाए तो पूरे फॉर्टनाइट का एक जो पिछले 15 दिन का रिव्यू है वो मैं जसमीत जी से लूँगा। कनाडा के पिछले 15 दिन के हालात क्या हैं, किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है और रीफाइल केसेस के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, इन तमाम सवालों पे मैं जसमीत जी के जवाब लूँगा। लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, पंजाब के जाने पहचाने वीज़ा कंसल्टेंट हैं और आप देश के किसी भी हिस्से से 90413-90412 इस नंबर पर संपर्क करके जसमीत जी से मिल सकते हैं और अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जसमीत जी सबसे बड़ा सवाल पिछले 15 दिन का रिव्यू मैं चाहूँगा आपसे। सो रिव्यू की अगर बात करें तो मैं सबसे बड़ा जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि जो फाइल्स कुछ अगस्त में जुलाई एंड में लॉन्च हुई थी उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। सो दैट इज़ समवेयर अराउंड द जो टर्न अराउंड टाइम है वो 60 दिन से 75 दिन का रह गया है, विच इज़ अ रियली रियली गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स दैट कि रिजल्ट्स जल्दी आने शुरू हो गए हैं। कैनेडियन हाई कमीशन इज़ वर्किंग रियली हार्ड कि हमारे रिजल्ट्स जल्दी आएँ। सो ये एक बहुत ही मेजर न्यूज़ है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए कि रिजल्ट्स की स्पीड में थोड़ी सी तब्दीली है और थोड़ा सा पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। पहले हम कहते थे कि देर इज़ नो पैटर्न, आई विल सेल कि 70-80% थोड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सीक्वेंस वाइज ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। यस, कि जो नॉन एसडीएस फाइल्स हैं उनके ऊपर रिजल्ट्स थोड़ी जल्दी आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई कि वो नॉन एसडीएस वाली फाइल्स किसी और जगह प्रोसेस हो रही हैं और एसडीएस वाली फाइल कहीं और प्रोसेस हो रही हैं, ये रीज़न हो सकता है। सेकेंडली, वीज़ाज आर कमिंग वेरी वेरी क्या कहते हैं अच्छे तरीके से आ रहे हैं। जो वीज़ा सक्सेस रेट है दैट इज़ बिटवीन 65-70% और जो बाकी 35-30% रिफ्यूज़ल भी आती है और अगर हम उनको रीफाइलिंग करते हैं तो उसमें से भी 15-20% बच्चों के रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो मतलब कि वीज़ा सक्सेस रेट रीफाइलिंग लगाएं तो 80% के करीब पहुंच जाता है। सो काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि वीज़ा पैटर्न जो कनाडा का चल रहा है वो बड़ा स्टेबल पैटर्न चल रहा है, ना कि और कंट्रीज़ की तरह कि एकदम से रिफ्यूज़ल दे दी, एकदम से वीज़ा दे दिए। ऐसा कनाडा का पैटर्न कभी नहीं रहा। कनाडा का पैटर्न हमेशा ही स्टेबल रहा है और अगर बात करें तो कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा बहुत अच्छे तरीके आ रहे हैं। और अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल वीज़ा सक्सेस स्टोरीज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें कि वहाँ पर कि मल्टीपल टाइम 4-5-6 रिफ्यूज़ल वालों के भी वीज़ाज लग के आए हैं। बिल्कुल, सो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जसमीत जी की हर इन्फॉर्मेशन। जसमीत जी, मान के चलें कि जनवरी इनटेक में आने वाले दिनों में जो वीज़ा की स्पीड है वो पहले से तेज़ होगी और पेंडिंग फाइल्स आलमोस्ट जनवरी इनटेक तक हम क्लियर मान के चलें या अभी भी डेफर स्टूडेंट्स को लेने पड़ सकते हैं? देखो, कनाडा में डेफर हमेशा ही रहा है, चाहे वो बिफोर कोविड की भी बात करें तो 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता था क्योंकि कनाडा में एप्लीकेशंस का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है और एक स्टेबल कंट्री कनाडा होने के साथ साथ लोगों को जो सेटलमेंट ऑप्शंस कनाडा में मिलती हैं तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कनाडा में लगती है। सो मेरे को लगता है कि 100% रिजल्ट तो कभी भी नहीं आएगा, पर जनवरी में भी 10-15% बच्चों को डेफर लेनी पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। सो करंट स्टेटस का पिछले फोर्टनाइट का रिव्यू हमारे साथ जसमीत जी ने शेयर किया है, लेकिन लास्ट में एक सवाल जसमीत जी, जनवरी इनटेक और मई इनटेक, आपकी नज़र में स्टूडेंट्स कितनी जल्दी करें अप्लाई करने के लिए क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम कम हो रहा है? सो मैं हैरानी की बात मैं सुंदर जी आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कॉलेजेस ने September 24 ओपन कर दिया है। सो सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप किसी भी इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई करें बिकॉज देन यू माइट हैव टू अप्लाई फॉर January 24 भी ओपन हो चुका है। September 23 तो बहुत छोटी बात है, January 24 इनटेक इज ऑल्सो ओपन। अगर मैंने September 24 बोला तो गलती है, उसमें January 24 ओपन हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो 90413-90412 कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी चाहिए, आप इसी नंबर पे बात करें और जसमीत जी से पर्सनली आके मिलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
चलूँ।